अरे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सपा बसपा गठबंधन के टूटने के पूरे आसार हैं। जो बैठक चार गुरुद्वारा रकाबगंज में हो रही थी बसपा की, उस बैठक में मायावती ने ऐसे संकेत दिए हैं कि गठबंधन में कोई फायदा नहीं हुआ, यानी जो उन्होंने गठबंधन किया था उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बसपा की बैठक में मायावती ने कहा कि बसपा को यादव वोट नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आई है कि मायावती 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशी भी उतारेंगी, जबकि मायावती की पार्टी बसपा कभी भी उपचुनाव लड़ती नहीं आई है। लेकिन इस बार मायावती जो उपचुनाव होने हैं उसमें अपने कैंडिडेट उतारेंगी, एक बड़ी खबर है। और इसी बैठक में मायावती ने यह भी कहा कि उन्हें यादवों का वोट नहीं मिला है। तो ये तो मायावती की बात थी जो मीटिंग से निकलकर सामने आई। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ अगर हमारे नाम से जुड़ गया है, न जाने कितने जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, न जाने कितने उजाले और अंधेरे आएंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के जनता को कभी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। चुनाव हार गए, आज हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं। हम तो आज भी विरोधी लोगों से कहते हैं कि उठा लो आप अपना विकास का काम, उठा लो समाजवादियों का विकास, आप कहीं विकास में टिकने वाले नहीं हो, आप किसी और वजह से चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप किसी और वजह से चुनाव जीत गए, यानी एक तरफ उसी जनादेश का सम्मान करने के लिए आजमगढ़ में पहुंचे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जनादेश लेकर पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई है, तब वो किसी और तरीके से हो गया। यानी आजमगढ़ में इनकी जीत किसी और तरीके की है और भारतीय जनता पार्टी की जीत किसी और तरीके की है। हालांकि सब एक तरीके से ही जीते हैं, जनता ने वोट दिया है तो ये जीत कर फ्रंट पर सामने आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज की यह बहुत बड़ी खबर है कि सपा बसपा गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे हैं। टूटने के संकेत इसलिए भारत समाचार कह रहा है क्योंकि बसपा की मीटिंग में यह कहा गया कि यादवों की वोट नहीं मिले, नंबर एक। और दूसरी बात, 11 सीटों पर उपचुनाव बसपा लड़ने जा रही है। अगर आपका गठबंधन है तो टोटल 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो आप कैसे सारी पार्टियों पर लड़ सकती हैं? ये दो अहम बात है जिससे यह पता चलता है कि यह गठबंधन टूटने के आसार है। दिल्ली में मायावती ने जोन इंचार्ज, नौ निर्वाचित सांसद, लोकसभा प्रत्याशियों के साथ उन्होंने एक बैठक की। यह बैठक चार गुरुद्वारा रकाबगंज मार्ग पर किया गया और तकरीबन अभी भी यह बैठक चल रही है। इस बैठक में निकलकर सामने यह आया है कि बसपा को यादवों को वोट नहीं मिला है और इसके साथ ही साथ नुकसान बहुत हुआ है। आप रिपोर्ट देखिए। मैं साथ मौजूद है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा। सर, आज समीक्षा बैठक हुई, किस तरह की बातचीत हुई, क्या बैठक का क्या नतीजा? संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, सेक्टर स्तर तक, बूथ स्तर तक, जिला स्तर तक, और नए से पुनर्गठन किया जाए, कहीं कोई कोताही है उसको ठीक किया जाए, और पूरा प्रयासों का भी संगठन पे मजबूत करने बल दिया जा रहा है। सर, हार के कारणों की समीक्षा हुई, क्या खास रहा उसमें? हमारी नेता ने कह दिया, ईवीएम में घोटाला भी हुआ है बड़े पैमाने पर। अब आगे की तैयारी किस तरह से? बसपा की तैयारी ऐसी करेंगे कि हम लोग कम से कम 60% वोट हमारे पक्ष में रहे, सब समाज लोग बीएसपी के साथ जुड़े, यही प्रयास होगा। क्या गठबंधन आगे जारी रहेगा? फिलहाल तो जारी है। ये थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन अभी भी प्रदेश में जारी रहेगा। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। आप मौजूद हैं सर, ईवीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्या? ईवीएम अभी आप लोग चाहते हैं कि बैन हो ईवीएम वाले मामले पर? देखिए, ईवीएम पर हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है, वापस बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसलिए हमने चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेते वक्त भी ये कहा कि ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज के बैठक में क्या ईवीएम पे चर्चा हुई है?
ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। आप देख सकते हैं सांसद दानिश अली का साफ कहना है कि ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव। सर, आज किस तरह की बैठक हुई, क्या समीक्षा बैठक हुई? यही समीक्षा बैठक हुई, हम लोगों को और तेजी से काम करना है, जनाधार बढ़ाना है, सबको सबको साथ लेकर के चलना है, यही हुआ। सर, ईवीएम को लेकर भी कोई चर्चा हुई? ईवीएम को लेकर काफी सस्पेंस है। यस, ईवीएम को लेकर चर्चा हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के न केवल पार्टी, न केवल अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता, इवन जो सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हैं, सबके मन में चर्चा संशय है ईवीएम को लेकर के। और इतना बड़ा संशय है कि हम लोग ये चुनाव जो हारे हैं वो केवल मात्र ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ये चुनाव हारा गया। सर, गठबंधन क्या जारी रहेगा अभी भी? मेरा ख्याल है कि जारी रहेगा, ये तो बहन जी के ऊपर है कि वो जारी रखती है नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जारी रहेगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मनीष हिंदवी, और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सामने लाई है, जिन्होंने ये बताया कि सपा और बसपा के गठबंधन के टूटने के सबूत हैं, टूटने के संकेत हैं, वो भी पूरे एविडेंस के साथ। हेमंत तिवारी जी, मुझे तो ये शायद पहली बार दिख रहा है कि जब कोई समीक्षा बैठक हो, आत्ममंथन हो बसपा में, और इनके कार्यकर्ता और नेता मीडिया से खूब बातचीत कर रहे हो खुलेआम। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, वहाँ से संकेत मिल चुके हैं। और मुझे, मेरा अपना मानना है जी, संकेत दो चार छह दिन लेट आए हैं। अव्वल तो 23 को परिणाम आए, 24 या 25 को 48 घंटे के भीतर मायावती रिएक्ट कर देती हैं। और अब क्योंकि बैठक में मायावती ने बड़ा साफ साफ कह दिया, दो बातें बड़ी स्पष्ट है जिससे एकदम जाहिर है गठबंधन खत्म। ये भले कहें, अभी आप श्याम सिंह यादव की बात सुन रहे थे जो जौनपुर के सांसद हैं, श्याम सिंह यादव जैसे एक दो सांसद हैं जिनको यादव वोटों का ठीक ठाक फायदा मिल गया और चुनाव जीत गए, वरना मायावती ने जो आरोप लगाया है कि यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुए, इस बात की आशंका आपने देखा होगा राहुल, हम लोगों ने लगातार पूरे चुनाव के दौरान की, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और एक बड़ी बात जिससे मैं कह रहा हूँ गठबंधन नहीं चलेगा, मायावती ने इस बैठक में कह दिया कि जो भी उपचुनाव विधानसभा के होने हैं वो हम सब लड़ेंगे, 11 सीटों पर लड़ेंगे। और अगर यानी ये संकेत है कि गठबंधन टूट चुका है, हेमंत तिवारी जी की बात को अगर माना जाए। हमारे साथ मनीष सिंधवी जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष सिंधवी जी, जितने लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की, ईवीएम का रोना इन लोगों का फिर से शुरू हो गया है, तो आप 6 प्रभारियों को क्यों हटा देती हैं, 2 प्रदेश अध्यक्ष को क्यों हटा देती हैं, ये कब तक ईवीएम का रोना ये गाते रहेंगे, रोते रहेंगे? असल में राहुल जी, आप ये देखिए ना कि हार को ग्रेसफुली स्वीकार करना नहीं आता हमारे क्या नेताओं को, वो कोई पार्टी हो। 2009 में यही भाजपा रो रही थी ईवीएम को लेकर, तो जो हार जाता है वो हार के कारणों में ना जाकर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है। सवाल इस बात का है कि आप अपनी कमियों को एनालाइज करिए। आप जब गठबंधन करते हैं तो आधी सीटों पे लड़ते हैं, आधे पे नहीं लड़ते हैं। जो कार्यकर्ता 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे वहां के लिए, उन्होंने बगावत करी या भीतरघात किया, जिसके लिए हेमंत जी बार बार कहते रहे। तो सवाल इस बात का है कि उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। निश्चित तौर पर उन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। 23 मई गठबंधन गई, हर रैलियों में कहा गया और वो चीजें क्लियर बहुत हद तक दिख रही है। उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा ने ऐलान कर दिया सारी सीटों पर लड़ने का, और सीधे टारगेट यादवों वोटों पर की, यानी यादव के वोट नहीं मिले। देखिए, मायावती का आज ये जो अटैक है ये निश्चित ही गठबंधन को टूटने की ओर जा रहा है, संकेत दे रहा है। ये अखिलेश यादव पर एक तरह से कहा जाए सीधा हमला है कि उनके वोट बैंक पर मायावती ने अविश्वास जता दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि सपा बसपा और एलडी के गठबंधन अब किसी भी समय टूट सकता है, और मायावती ने अखिलेश यादव के वोटों पर अविश्वास जताया है। तो ये बैठक के बाद जो बातें बाहर आई हैं, इसे लगता है कि बीजेपी के लिए पूरा मैदान अब साफ होने वाला है। और जो लोग ये मान रहे थे कि अगर ये गठबंधन रहेगा तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में 3 साल बाद अगर गठबंधन चला तो चुनौती हो सकती है, लेकिन इतना लंबा अंतराल मायावती के स्वभाव के कभी मेल नहीं खाता,
वो हमेशा गठबंधन 4-6 महीने साल 2 साल के लिए किया उन्होंने, इसके ऊपर उनका कोई गठबंधन चला नहीं। अब जैसे चुनाव बीत गया है तो वो फिर से पुराने रास्ते पर लौटेंगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही कि हम विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ेंगे और जहां जहां जीतेंगे भी। बिल्कुल मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चूंकि मायावती तो प्लस में है ना, 0 से 10 तक पहुंच गई और अब वो सीधे कोस रही है, तो इसमें इनका क्या फायदा है? गठबंधन से अलग होंगी तो इनका क्या फायदा है? देखिए प्लस में वो जरूर पहुंची है, लेकिन वो जब अकेले थी तो 0 पे थी। हाँ। जब हाथ अलग अलग उंगलियां थी तब वो 0 थी, जब मुट्ठी बन गई तो 10 हो गई। तो बात साफ है कि वो राजनीति में गठबंधन की ताकत से 10 सीटें जीती हैं। अगर उनको अपनी पार्टी को लगता होगा कि वो अकेले और जीत सकती हैं तो वो अपनी कोशिश करें, लेकिन ये जरूर है कि जो गठबंधन का धर्म था और जो लोग समझते थे कि अखिलेश यादव जितना महत्व मायावती को दे रहे हैं, ये गठबंधन और लंबा चलेगा, ये बिल्कुल लंबा चलेगा, लेकिन चल नहीं पाया। हेमंत तिवारी जी, अवसरवादिता की परिभाषा जब लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि 2019 का जिक्र जरूर होगा और मायावती का भी जिक्र किया जाएगा। हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं, मायावती का जो इतिहास रहा है उसी प्रकार का रहा है, दूसरों का साथ लेकर को आगे बढ़ी है, उसके बाद दूसरों से अलग हो गई है। यहाँ 2-3 बातें बड़ी समझने वाली है। मायावती का बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप होता है, बहुत जोर घटाव की राजनीति करती है। जब 2014 में 0 पर आई, मैं बार बार कहता हूँ अखबारों की हेडिंग जो बनी थी उस रोज वो था कि हाथी बोला पो मतलब 0। जब 0 पर 2014 में आई और 19 सीट पर विधानसभा में सिमट गई, 90 के बाद सबसे कम स्कोर पर सिमटी, तो इसका मतलब उनको अपने अस्तित्व का खतरा था। समापन की ओर उनकी पार्टी बढ़ रही थी, गठबंधन कलाओं को रास्ता नहीं था। गठबंधन से उन्होंने सहारा ले लिया, 0 से 10 पहुंच गई, उनकी उनकी एक हैसियत हो गई, 10 लोकसभा सदस्य उनके बैठेंगे भारत की संसद में। और अब उनका कैलकुलेशन क्या है, इस बात को समझिए, बहुत जरूरी बात क्या है। उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि चूंकि विधानसभा चुनाव कम वोटों पर होते हैं और मुस्लिमों का भरोसा उनको मिला है, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिमों ने करीब 90% गठबंधन वोट दिया। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्लिमों का वोट इस बार अच्छी खासी संख्या में भाजपा को मिला है, मेरे पास कई जगह कई बूथों के प्रमाण है, कई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमाण है। तो जब मायावती को लगने लगा कि मुसलमान हमारे साथ आ गया है, सपा के साथ कम गया है, तो ये मुसलमान रहेगा, हमारे दलित रहेंगे और हम पहले के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कर लाएंगे 2022 में, इस कैलकुलेशन पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और 11 सीटें लड़ने क्या मतलब हुआ, 11 सीटें लड़ने ठीक है, यानी आप सपा को सीट नहीं दे रही है। मनीष सिंधवी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष सिंधवी जी, अब जनता तो ठगी गई ना, अगर जिन्होंने गठबंधन पर यकीन किया होगा, भाजपा के अगेंस्ट गठबंधन, अब वो तो टूटने के कगार पर है। चलिए बात करेंगे, लेकिन कुमार पुष्कल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, 4 गुरुद्वारा रकाबगंज मार्ग से, जहां पर बसपा का केंद्रीय कार्यालय है, वहां से पुष्कल क्या खबरें हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं, जरा बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए राहुल, बैठक तो अब खत्म हो चुकी है, तमाम जो सांसद विधायक और तमाम जो कार्यकर्ता है उस बीएसपी दफ्तर से निकल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने जरूर आई है, बड़ी खबर जरूर आई है कि अब जो एसपी और बीएसपी का गठबंधन है अब टूटने के कागार पे है। कहीं ना कहीं संकेत बहन मायावती जी ने अपने इस बैठक में जरूर दिया है। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में कि मुसलमानों के वोट तो जरूर उन्हें मिले, लेकिन जो सपा का वोट है वो बसपा को नहीं मिला। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि सपा के जो यादव परिवार है उनके चलते हार हुई है, वो क्यों नहीं जीत गए, कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया है। तो लेकिन एक बड़ी बैठक थी आज, समीक्षा बैठक कही जा सकती थी, ये थोड़ी देर जरूर हुई है चुनाव के हारने के बाद गठबंधन के, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब ये लग रहा है कि अब बसपा अकेले चलो के नारे के साथ विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, जिस तरह से अखिलेश ठीक है एकला चलो के नारे पर ठीक है, अगर ये है और इतना ही आत्मविश्वास इनका है तो लोकसभा चुनाव में तो भी एकला चलो के राह पर चल सकती थी। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। हेमंत तिवारी जी, अब एकला चलो की राह के तर्ज पर ये चलेंगी, लोकसभा चुनाव में सबको मिला लिया और अब अकेले? देखिए जो फायदा लेना था ले चुकी है, अगर वो लोकसभा चुनाव में एकला चलती तो एकला सीट भी उनकी नहीं आती,
मतलब बोहनी नहीं होती 2014 की तरह वही दशा थी। अगर 10 सांसद उनके आज हैं, अगर 10 मेंबर उनके हैं लोकसभा में, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो समाजवादी पार्टी के मिले वोटों का है, ये उनको मानना पड़ेगा। और जो श्रीमान जी इनके दल के उप नेता बनाए गए हैं श्याम सिंह यादव, जिनकी 22 अभी हम आपके समाचार पर देख रहे थे, ये श्रीमान जी खुद चुनाव हार जाते अगर इनको सपोर्ट नहीं। निश्चित तौर पर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है उपचुनाव में पूरी सीटों पर लड़ने और सीधे यादव वोट पर अटैक करने, यानी सपा बसपा का गठबंधन अब नहीं चलेगा। देखिए, मायावती को यह लगता है कि दलित और मुस्लिम वोटों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की जा सकती है, और उन्होंने शायद इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि उपचुनाव की तैयारी करो। तो ये बात सही है कि वो राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो बीजेपी पर राजनीतिक बढ़त बना पाएंगी इसकी संभावना बहुत कम है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर मायावती फौरी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर पाएंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रूप में उनके सामने एक बहुत बड़ा विपक्ष है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो सब पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। तो ये सपने देखने की बात है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो पैर जमीन पर होंगे और पूरा शरीर जमीन पर हो सकता है। 2014 में ऐसे परिणाम रहे हैं। तो बहुत बार जो फैसले होते हैं वो घातक भी होते हैं राजनीति में, हर बार फैसला सही नहीं होता है और गठबंधन टूटता है, तो स्वाभाविक अखिलेश यादव के ऊपर भी जो आलोचनाएं हो रही हैं वो भी इनका जवाब देंगे। मैं वीरेंद्र आपके पास आ रहा हूं, अखिलेश यादव की एक बात सुना देते हैं कि उनका क्या कहना है वोट ट्रांसफर की राजनीति पर। गठबंधन को कहा कि ये मुसलमानों का गठबंधन है, ये यादवों का गठबंधन है, ये दलितों का गठबंधन है, बताओ साथियों, कहा कि नहीं कहा? हम और आप जिन लोगों के लड़ना चाहते थे उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाए, हम जिन्हें समझाना चाहते थे नहीं समझा पाए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि ध्यान हटाने की ताकत हमारे आपके पास नहीं है। और अखिलेश यादव को आजमगढ़ में तो शायद ये पता भी नहीं है वीरेंद्र कि गठबंधन के टूटने के संकेत मिल गए। वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आदर्शवादी बातें कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, और चार गुरुद्वारा रकाबगंज में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। देखिए, सियासत में ऐसे चौंकाने वाले फैसले होते रहते हैं। जिस दिन से परिणाम आया है मायावती और सार्वजनिक रूप से नहीं मिले हैं, संवाद की हीनता है, पता नहीं टेलीफोन पर बातचीत हुई है या नहीं हुई है। अब मायावती हमेशा इसे चौंकाने वाले फैसले करती हैं। वो कभी कल्याण सिंह के साथ गठबंधन उन्होंने तोड़ा, अच्छा सरकार चलाने की बात थी, कभी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ, कभी उनका समाजवादी पार्टी मुलायम और कांसीराम का गठबंधन था, उसमें मायावती मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तर प्रदेश में मायावती का इतिहास हमेशा ऐसे रहा है कि फायदा लेने के बाद वो तुरंत अपना साथ छोड़ देती हैं और नए रास्ते तलाशने लगती हैं। जब वो एकदम धरातल पर आ गई तब उन्हें गठबंधन नहीं, मायावती इस बार भी गठबंधन ना करती, ये क्लियर था। और यही वजह है कि कांग्रेस को यूपी में गठबंधन में उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। अगर कांग्रेस यूपी के गठबंधन में नहीं आई तो उसके पीछे सिर्फ बड़ा कारण मायावती थी। मायावती ने मजबूरी में हो सकता है यह गठबंधन अखिलेश यादव के साथ किया था कि बीजेपी उनके सफाए पर आमादा है, उनके दलित वोट बैंक को पूरी तरह खींच लेना चाहती है। अगर गठबंधन रहेगा तो हो सकता है कुछ दलित वोट रुका रह जाए। बीजेपी ने उनके गठबंधन और दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, ये बात वो अच्छी तरह जानती है। अब वो सोच रही होंगी कि दलित और मुसलमान को फिर से मिलाकर चुनाव में कुछ नए प्रयोग किए जाएं। तो यानी उनके मन में कुछ और ही चल रहा है, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ बता रहे हैं, दलित और मुस्लिम वोट, इसी के सहारे वो 11 उपचुनाव पर, विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो लड़ना चाह रही है और पहली बार ये होगा। कुमार पुष्कल, अब वहां पर पूरी तरह से बैठक खत्म हो गई, आपने कई लोगों से बातचीत की, उनमें से कितने लोगों ने इस बात के संकेत दी, चूंकि अंदर से वीरेंद्र सिंह ने खबर ये निकाल लाई है कि गठबंधन के टूटने के आसार हैं, यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुए, ये अंदर कहा गया है?
देखिए राहुल, मैंने जिन जिन नेताओं से बात की है, तमाम सांसदों से बात की है, उन्होंने उन्हें हिम्मत तक नहीं पड़ी कि वो इस बात को कह सके मीडिया के सामने कि अब गठबंधन नहीं रहेगा सपा और बसपा में, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन संकेत जरूर दिए थे ऑफ कैमरा उन्होंने साफ तौर पे कहा, दानिश अली ने भी ऑफ कैमरा एक तरह से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, लेकिन वो कैमरे पे कहने से जरूर परहेज करते रहे तमाम नेता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्रीफ करेंगे, तमाम नेता ने ये कहा, बहन जी ब्रीफ कर सकती हैं, सभी ने कहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बात कहने के लिए। लेकिन अंदर से खबरें जरूर आ गई थी बैठक के बाद कि अब सपा और बसपा के गठबंधन के टूटने का समय आ गया है, और साफ तौर पे बहन जी ने साफ तौर पे कहा कि जो 11 जगहों के जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसके लिए आप तैयारी करें। तो अब साफ होता है कि अगर 11 राज्यों 11 जगहों के उपचुनाव के जो चुनाव तैयारी होती है तो क्या उसमें सपा बसपा के साथ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, लोकसभा चुनाव तो लड़ लिया गया, अब जनता दो तरफ थी, या तो भारतीय जनता पार्टी या तो महागठबंधन, अब जनता तो इसमें ठगी गई ना। देखिए, ये गठबंधन अब टूटेगा कि रहेगा, और जो उपचुनाव है वो गठबंधन साथ में लड़ेगा कि नहीं, और अगर गठबंधन टूटता है तो फिर अखिलेश यादव के सामने रास्ते क्या होंगे, क्या शिवपाल यादव को वापस अपनी पार्टी में लाएंगे। अभी अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया आनी बाकी है, अब वो कल लौटेंगे, वो आजमगढ़ और गाजीपुर के दौरे पर हैं, हो सकता है वहाँ वो कुछ बात रखें। लेकिन मायावती को ये साफ करना होगा कि ये जो पार्टी के भीतर बातें कही गई हैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कही गई हैं, या गठबंधन के नेताओं को मैसेज देने के लिए कही गई हैं, और वो गठबंधन को लेकर मैसेज देने के लिए कही गई है। बिल्कुल, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार जी, आप भारत समाचार पर ऑन एयर हैं। 11 विधानसभा जो उपचुनाव होगा वो पूरी सीटों पर मायावती लड़ेंगी, और सीधे अटैक है कि यादव का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और इसीलिए ये गठबंधन के टूटने के आसार है, हम कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गठबंधन टूटने का आसार है। और जब ये गठबंधन हुआ था उस वक्त भी बहुत सवाल उठे थे कि एक नेचुरल गठबंधन नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों ही दल बहुत वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, और गठबंधन होने के बाद जो परिणाम अभी आए वो भी अच्छे नहीं रहे। अखिलेश यादव के लिए तो बहुत ही खराब रहे, और मायावती के लिए भी थोड़े से बेहतर रहे, उन्होंने 10 सीटें जीती। लेकिन अब चूंकि 2000 आगे 22 में विधानसभा का चुनाव आना है और उसमें मायावती खुद मुख्यमंत्री मंत्री पद की दावेदार होगी, अखिलेश यादव उधर से होंगे, तो ये मायावती जी ने बहुत पहले से समझ लिया है, और पहले से ही उनकी हमेशा राजनीति करने की एक शैली है कि वो हमेशा से आक्रामक रवैया अपनाती है। इसके पहले जब राजकुमार जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे ये है कि देखिए, ये जनता के हित के लिए गठबंधन तो हुआ नहीं था, व्यक्तिगत फायदे के लिए गठबंधन हुआ था, बहुत क्लियर कट बात है, सीधी बात है कि जाति पर आधारित ये गठबंधन हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारा नहीं उत्तर प्रदेश ने। तो अब मायावती को ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस मिल गया, कौन सा आत्मविश्वास मिल गया कि वो कह रहे हैं कि यादव का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि 10 सीट जीत के चली आई। वो कह रहे हैं कि जो उपचुनाव कभी लड़ती नहीं थी वो कह रही है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उपचुनाव, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस उन्हें मिल गया? एक कॉन्फिडेंस की एक वजह मैं आपको बताता हूँ, वो वजह है मुस्लिम वोट का इस बार बीएसपी की ओर जाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से आप देखिए तो मुसलमान वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी की ओर जाता था, जो वोट बच जाता था वो बीएसपी और कांग्रेस की ओर जाता था। इस पूरे इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो मायावती के 10 एमपी जीते हैं और उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली है, तो आप देखिए कई जगह ऐसा हुआ है जहां दलित और मुसलमान वोट कंबाइन हुआ है, और ये वो वोट है। यानी यही वजह है जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी कह रहे हैं। वीरेंद्र, देखिए आपकी बात यहां पर बेहतर साबित होती दिख रही है, यानी मुस्लिम वोटों का जो रुझान इस बार बसपा की तरफ हुआ है सपा के मुकाबले, और यही आत्मविश्वास है कि पहले वो इस तरह बोल रही हैं। देखिए, मायावती का जो आकलन है वो ये जरूर बसपा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको रणनीतिक तौर पर देखें तो वहां पर मायावती का कैंडिडेट अकेले नहीं था, वो सपा का भी कैंडिडेट था, वो राष्ट्रीय लोकदल का भी था।
और जब बीजेपी को हराने में वो सक्षम दिखा तो मुस्लिम मतदाताओं ने जमकर वोट किया उनको। मायावती ऐसा हमेशा नहीं सोच सकती हैं या उनके कैंडिडेट को ऐसा हमेशा वोट नहीं मिल सकता है। वो जरूर ये कोशिश करती रही हैं कि दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बनाया जाए उत्तर प्रदेश में और उससे बीजेपी को टक्कर दी जाए। लेकिन मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ रहा उसको वो कभी तोड़ नहीं पाई। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो भले कम जीते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी हार भी हुई है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि पूरा मुसलमान छिटक कर मायावती के साथ चला गया हो। बहुत सारा मुसलमान तो भाजपा के साथ भी गया है, बहुत वोट मिले हैं उनको। तो राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार मुस्लिम या हिंदू जो भी वोट बैंक है वो फ्लोटिंग हो इधर उधर चलता रहता है, 10-5% का हमेशा से फ्लोट रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो ये अस्थाई नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन मायावती तोड़ रही है तो उनको गठबंधन तोड़ने के परिस्थितियां और कारण दोनों और गिनाने होंगे और समाजवादी पार्टी है उनसे सवाल कर सकती है। हालांकि ये औपचारिक ऐलान नहीं है लेकिन जो संकेत दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं समाजवादी औपचारिक ऐलान नहीं है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन जो अंदर से मीटिंग में सामने आई है, जो आपने बात निकालकर सामने प्रस्तुत की है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, वो यही बतलाता है कि गठबंधन के टूटने के आसार हैं, क्योंकि वो अपने सहयोगी दल को सीधे सीधे हार का दोषी ठहरा रही हैं। उस सहयोगी दल की जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, यानी 2014 में जो स्थिति थी वही स्थिति बनी है, बल्कि सरप्लस में यही है, जीरो से ये पहुंच गई 10 और जो 5 से 5 पर रह गया उसको दोषी ठहरा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी सीट पर तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मायावती को यह लग रहा है दरअसल कि मुस्लिम उनके साथ आ गए हैं, दलित उनके साथ आ गए हैं और यही कॉम्बिनेशन उन्हें आगे ले जाएगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं। और भारत समाचार क्या कह रहा है, देखिए बीएसपी को नहीं मिला है यादव वोट, ये मायावती ने कही है उस मीटिंग के अंदर। 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बसपा, आमतौर पर उपचुनाव बसपा कभी नहीं लड़ती लेकिन वो सारी 11 सीटों पर लड़ेगी। चुनाव में मायावती अपने प्रत्याशी उतारेंगी, यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है तो बहुत स्वाभाविक है अगर आप चुप रहेंगे तभी गठबंधन चल पाएगा। वीरेंद्र, अगर चलने की बात करें तो आप मुंह बंद कर लीजिए, सिल लीजिए, तभी गठबंधन चल सकता है, क्योंकि 11 में से 11 सीटों पर तो ये लड़ेंगी। जब गठबंधन होता है तो बराबरी का होता है, बिल्कुल, और अखिलेश यादव और मायावती के बीच बराबरी का गठबंधन 38-38 सीटों का हुआ था। कोई दल ज्यादा जीत गया, कोई दल कम जीता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो ज्यादा जीता वो ज्यादा श्रेष्ठ था और जो कम जीता उसके पास आधार नहीं था। ये तो टोटलिटी का वोट है, बिल्कुल, पूरा दोनों पार्टियों का संयुक्त वोट है। इस पर अगर वो एकाधिकार मानती हैं तो राजनीति में इसको एक चूक कहा जाएगा और एक ऐसा फैसला माना जाएगा जो आगे चलकर आत्मघाती हो सकता है। तो राजनीति में ये चूक कहा जाएगा और आगे चल के आत्मघाती होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरो जी, आप भारत समाचार पर ऑन एयर है, साथी का सा अलग होता हुआ दिख रहा है और थी अलग होता हुआ दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि पहले भी हम लोगों का मानना था ये अवसरवादी गठबंधन है, पार्टी और प्रॉपर्टी को बचाने का गठबंधन है। इस गठबंधन में कोई समानता नहीं थी, ना तो जनता के सामने कोई इन्होंने एक हट्टा कोई घोषणा पत्र जारी किया, ना कोई साझा कार्यक्रम था, केवल ये अवसरवादिता थी एक दूसरे को बचाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने ऊपर रहने की। और सब शक्तियां मिल गई उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है और ये सब लोग अपना मुंह छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि सब दल एक हो जाएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा था हम 50% से ज्यादा वोटों की भागीदारी करेंगे और वही हमने किया भी है। अब गठबंधन के दल आपस में लड़े झगड़े चाहे जो करें, लेकिन ये बात सर्व विदित है, जनता ने इन सबको मिलने के बाद भी नकार दिया है और आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। ये गठबंधन तोड़े या रखने ये इन लोगों की बौखलाहट का नतीजा जो हार के बाद उपजी है। तो उपचुनाव की लड़ाई भी तो आपके लिए आसान हो जाएगी, अलग अलग लोग लड़ेंगे, गठबंधन नहीं लड़ेगा, वो तो लोकसभा का चुनाव था, ये तो विधानसभा का चुनाव होगा। देखिए हमारी लड़ाई, देखिए पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक काम करने वाली कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जनता के बीच में जाएंगे, 11 उपचुनाव हुआ है जहां हमारे लोग जीते हैं वो भी धन्यवाद जनता को अर्पित कर रहे हैं और जो हमारा लड़ेगा वो भी जनता के बीच में जाएगा और जनता का विश्वास जीतकर सदन में पहुंचेगा।
यानी गठबंधन रहे ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50% वोट के सहारे हैं। बिल्कुल, गठबंधन से कोई फर्क ना पड़ा है और ना भविष्य में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में पड़ने वाला है। जनता जान गई है जो काम करेगा, जिसका विश्वास होगा, जो विकास के काम करेगा और जो देश हित में काम करेगा, जनता उसी को चुनेगी। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर अब जनता ने मत किया है इस बार। तो आप ये कह रहे थे कि ये गठबंधन अवसरवादी गठबंधन था, इसलिए टूटने के संकेत है? नहीं, अवसरवादी था, अपने बचाने का था, एक दूसरे को पहले से जो संबंध इतने साल से चले आ रहे थे, कौन किसको नीचा दिखा रहा है इसका भी था। और हम ये मानते थे ये महामिलावटी गठबंधन है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ये महामिलावटी गठबंधन है, और इस गठबंधन की गांठें कब बंधी और कब खुल जाएंगी जनता भी जानती थी, इसीलिए इनको ये अवसर नहीं दिया कि ये देश की जनता, प्रदेश की जनता से छलावा कर सके। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, हीरो वाजपेयी जी का कॉन्फिडेंस हाई है? देखिए, बीजेपी का स्वाभाविक है उत्साहित होना, और सियासत में उनके पास लगातार इस तरह के मौके आ रहे हैं। वो विधानसभा जीते, फिर अभी लोकसभा जीते, और अब गठबंधन टूट गया, तो उनके लिए तो उत्साह से लबरेज पार्टी वो इस समय, और उनके लिए खुशी का मौका है। लेकिन देखिए, गठबंधन में दरार आ गई है, इसके संकेत साफ है, और अखिलेश यादव, मायावती, अजीत सिंह की राहें अलग होने वाली हैं। मायावती का अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये संबोधन, ये संकेत है कि वो देर सवेर इसका ऐलान करेंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, वो सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन अब टूटने के कगार पर आ गया है। इंतजार है कि अखिलेश यादव जो इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं, वो किस तरह की प्रतिक्रिया वहां से देते हैं। तो यूपी में बीजेपी का रास्ता और साफ हो रहा है, और उसकी गाड़ी सरपट दौड़ रही है, और योगी आदित्यनाथ के लिए जो भविष्य में 3 साल बाद जब चुनाव होंगे, 3.5 साल बाद, तो स्वाभाविक है कि उनको उत्तर प्रदेश में फिर से जीत हासिल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। बिल्कुल, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो आसान हो जाएगी, जो कठिनाइयां थी वो सरल हो जाएंगी। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पुष्कल, दिल्ली से कुछ अपडेट? देखिए राहुल, बैठक तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो गिला शिकवा था वो साफ तौर पे इस बैठक में देखने को मिला। तमाम मेरे जोनल कोऑर्डिनेटर से बात हुई थी, तमाम विधायकों से बात हुई थी, उन्होंने नाम बताने से जरूर मना किया था, उन्होंने बोला कि चैनल्स में मत आए, लेकिन साफ तौर पे कहा कि शिकायतों का दौर भी चला था सपा के जितने कार्यकर्ता का, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा गया कि जो सपा के कार्यकर्ताओं ने बसपा के कार्यकर्ताओं का